आपके लिए जो है कुछ बीजाएं हैं एसी टेक्नीशियन की। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नई वीडियो के साथ। और शाम के लगभग 5 बजे को मैं मौजूद हूँ अलबेक के जस्ट सामने, और मैं जा रहा हूँ अभी अलबेक में ब्रश एंड फिश फिले लेने के लिए, क्योंकि ड्यूटी लग गई है। तो मैंने सोचा दमाम कॉर्नी जाने से पहले जो है अलबेक ट्राई किया जाए। तो बस चल रहे हैं अंदर, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है अंदर। बाहर तो भीड़ नहीं है लेकिन अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो डायरेक्ट चलते हैं अभी अलबेक के अंदर। और ड्यूटी से निकलते ही मेरी फर्स्ट एंट्री होती है अलबेक में, देख ही रहोगे ये तो काफी फेमस है। और अंदर आकर देखा तो भाई भीड़ बहुत ज्यादा है। वैसा देखा जाए तो बाहर इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं है, लेकिन अंदर फुल है भाई, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पब्लिक है अभी अंदर। और वैसे ऑर्डर तो मुझे बहुत ज़्यादा करना था, मैंने सोचा लेकिन दो ही आइटम ऑर्डर कर लें, जैसा कि एक फिश फिले और बाकी रुबियान। नहीं तो मेरा ख्याल था एक एक फिश फिले करें उसके बाद से जो है एक रुबियान। यहाँ पर नंबर मिला है मुझे 786, वाह। उधर सर्विंग हो रहा 770, मतलब कि लगभग 16 नंबर बाकी है। अब वैसे यहाँ पे देखा जाए तो 16 से भी ज्यादा नंबर है अगर देखा जाए तो। और जब तक नंबर आएगा तब तक हम मुंह चलाएंगे इससे टाइम पास करेंगे मामूल, वो भी अलबेक के। यार इतनी हाई फाई स्पीड से काम करते हैं ये कंटिन्यू, तब लगा लो इतनी देर में ऑर्डर मिलता। अगर नॉर्मली ये काम करते तो पता नहीं ऑर्डर जो है लगभग आधे आधे घंटे में मिला करता, बहुत स्पीड से काम करते हैं। और यार यहाँ पे मुझे एक चीज नहीं देखने को मिली, वो हार्बर में इसको तरंडी बोलते हैं, मतलब कि तितली जैसी होती है मछली, लगभग 10 किलो की करीब की है ये मछली। भैया लीजिए माशाल्लाह, ओके शुक्रिया। तो फाइनली गाइज अभी आ गया हूँ मैं दमाम कॉर्निस पॉइंट पर, और यहाँ आने से पहले जो है अपना डिनर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अलबेक से। डिनर जो है गाड़ी में ही किया था इसलिए वहाँ पे जो है वीडियो शूट नहीं कर पाया। अभी देखा जाए तो दमाम कॉर्निस पे पब्लिक नहीं है बिल्कुल भी, मतलब भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। और शायद आपको इस वजह से आवाज़ की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मैं ट्राईपोड और माइक जो है गाड़ी में ही रख आया हूँ, इस वजह से आवाज़ की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। और अभी मैंने देखी थी यहाँ पर 10 केजी की मछली, वो मछली जो यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद देखी है, उसको बोलते हैं अपने यहाँ तिरंडी। खैर गूगल से पिक्चर निकाल के मैं यहाँ पे लगा दूंगा और क्लिप भी लगा दूंगा, वो कैसी मछली होती है। जिन्होंने वो मछली पकड़ी थी वो जल्दी में, तो इसलिए पूरी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। खैर अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि अभी जाना है मुझे जल्दी में घर पर। माहौल काफी जबरदस्त हो रहा है वैसे देखा जाए तो। और अभी आ चुका हूँ मैं जगत कैफे पर। अस्सलाम वालेकुम, बस बढ़िया। हाँ जी सर, और बताइए। अरे भाई आपको देखने के लिए तो आना पड़ेगा ही। बहरीन से हम तो रोज बहरीन ही जा रहे हैं इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बढ़िया भाई। और खाना वाना हो रहा है क्या? खाना हो रहा है, जाओ खाओ। खाए जाओ भैया। और क्या क्या लाए बहरीन से? कहाँ गए हूँ बहरीन। गिफ्ट चाहिए मेरे को। क्या गिफ्ट चाहिए भाई? ये है भैया। अरे गाँव वाली चॉकलेट है यार, ये तो हम खाए जाएंगी जरूर। इसमें फ्लेवर बहुत सारा है, एक दो ओए ओए। ये बताओ फिरकी कौन ले रहा है? ये देख के यहाँ पे आ रहा होगा इधर रेड वेलवेट का टू केक लगे। तो गाइस क्या आप भी एसी टेक्नीशियन हैं? क्या आप भी एसी के काम पे जो है सऊदी अरब आना चाहते हैं? तो आपके लिए जो है कुछ बीजाएं हैं एसी टेक्नीशियन की। तो आज भी एसी टेक्नीशियन के लिए जो है बंदे चाहिए 40। 1600 सैलरी रहेगी, प्लस 200 मिलेंगे खाने के, प्लस एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह सब रहेगा कंपनी का, 8 घंटे की ड्यूटी के साथ प्लस ओवर टाइम भी मिलेगा। और एसी टेक्नीशियन के लिए बंदे चाहिए 20। इसमें जो है सैलरी रहेगी 1400,
प्लस 200 खाने के। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको ओवर टाइम मिलेगा, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सब रहेगा कंपनी का। तो इंटरेस्टेड बंदे ही मुझे जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। डॉक्यूमेंट करने आपको सेंड मेरी ईमेल पर, ईमेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर सेंड कर सकते हैं। और ये वीजा है कंपनी की, तो आपको जो है पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा दिल्ली में 3 तारीख को। अगर आप वहां पर सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में तभी आपका काम किया जाएगा, नहीं तो नहीं। एंड दैट्स इट। तो गाइज फाइनली इस वाले ब्लॉग को जो हम रिज्यूम करते हैं, क्योंकि मैंने जो है कल बिल्कुल भी ब्लॉग क्रिएट नहीं किया। खैर अभी रात के 8 बजे को मैं मौजूद हूँ हायर रायान में, हाइबर बंदा के सामने। और अभी जो हाइबर बंदा में जो है बेहतरीन ऑफर चला, तो उस ऑफर को ही मैं कवर करने जा रहा हूँ। वैसे ज्यादा वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी और मुझे ग्रोसरी भी करनी है अंदर से, तो बस तो मैंने सोचा कि ग्रोसरी भी कर लूंगा और जो ऑफर चल रहा वो ऑफर भी कवर कर लूंगा, क्योंकि वो आपको दिखाना भी है। तो अगर आप भी अभी ग्रोसरी करना चाहते हैं तो हाइबर बंदा विजिट करें, क्योंकि एक धमाकेदार ऑफर चला। लेकिन वो ऑफर किस किस चीज़ पर, वो कौन दिखाएगा पार्टियों आपको? मैं दिखाऊंगा पार्टियों, मैं आ जाओ। और यहाँ पर टैंक के 2 पीस मिल रहे हैं आपको 71 रियाल 95 हलाला में। और यह है एरियल डिटर्जेंट पाउडर, 5 kg का बैग है। रेगुलर प्राइस की बात करें तो इसका रेगुलर प्राइस रहता है 90 रियाल, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑफर में आपको मिल रहा है ये 43 रियाल 95 हलाला में। और यह है एक्स्ट्रा वाइट डिटर्जेंट पाउडर 5+2 kg, यानी 7 kg का बैग है। रेगुलर प्राइस की बात करें तो इसका रेगुलर प्राइस रहता है 63 रियाल, लेकिन यहाँ ऑफर में आपको मिल रहा है ओनली 32 रियाल 95 हलाला में। तो ये जो है काफ़ी अच्छा ऑफर है इस वाले डिटर्जेंट पाउडर पर। और इधर है ये पर्सिल, 7 kg का बैग है। रेगुलर प्राइस की बात करें तो रेगुलर प्राइस इसका रहता है 7 kg के बैग का 90 रियाल, लेकिन यहाँ पर आपको ऑफर में मिल रहा है ये 42 रियाल 95 हलाला में। और ये है रुज असलान बासमती राइस, 10 kg का बैग है। रेगुलर प्राइस की बात करें तो रेगुलर प्राइस इसका रहता है 76 रियाल, लेकिन अभी यहाँ ऑफर में आपको मिल रहा है ये 54 रियाल 95 हलाला में। इधर है अबुकास बासमती राइस, 10 kg का बैग है। रेगुलर प्राइस की बात करें तो रेगुलर प्राइस इसका रहता है 84 रियाल, लेकिन अभी सिर्फ हाइबर बंदा में आपको ऑफर में मिल रहा है ये 66 रियाल 95 हलाला में। तो मुझे जो है बस एक कार्टून लेना था पानी का और रूम पे खत्म हो गया इसलिए। तो गाइज अभी जो है हाइपर बंदा में बहुत ही जबरदस्त ऑफर चला था, जैसा कि मैं सभी तो दिखा नहीं पाया क्योंकि वहां पे जो अलाउ नहीं है वीडियो बनाने का। बस मुझे जो है बस ये कार्टून चाहिए था क्योंकि पानी खत्म हो गया, और दूसरा और डब्बा जो है वो मुझे लाने के ध्यान नहीं रहा, तो मैंने सोचा एक कार्टून ले लिया जाए। तो आपको भी अगर हाइपर बंदा से ग्रोसरी करनी है तो अभी जो है एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, तो इस बेहतरीन ऑफर का जो है फायदा उठाना चाहिए आपको। खैर मुझे जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा सामान की, तो इसलिए मैं ज्यादा खरीद के भी नहीं लाया। लेकिन अगर आपको ग्रोसरी करनी है तो अभी जो है हाइपर बंदा में जो है जबरदस्त ऑफर चल रहा है। तो खैर इस ऑफर की बात जो है काफी ज्यादा हो गई, तो आज के इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अल्लाह।